दायमा हो गया तो मैं ये कर रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि इनसे कह दीजिए मेरी इस दावत में कोई लालच नहीं है तो जो बात में कर रहा था दावत में ना पैसों की लालच होनी चाहिए ना इज्जत मतलूब हो ना अपने आप को ऊंचा दिखाना मतलूब हो दावत झुक के दी जा दी जाती है देखो तबलीगी जमात इतनी कामयाब क्यों है इतनी कामयाब हालांकि एक पैसा भी नहीं मिलता खाना चाय निस्वार पान गुटखा सब अपने खर्चे पे जब आप एक साल जंगलों में पैदल लगा के आओगे तो कोई एयरपोर्ट पे फूल लेके खड़ा हुआ नहीं होता है भाई ना दफ्तर में कोई इंक्रीमेंट लग जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि माशाल्लाह चूँकि इनके कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता आप बताओ मैं साल लगा कर आया हूँ वो गला क्या सबूत है क्या भाई सबूत वो तो कुछ भी नहीं है मदनी मस्जिद फोन भी करोगे शायद वो भी कह कहलाए हम तो जानते हैं इस बंदे को है कौन कुछ भी नहीं मिल रहा होता फिर भी इतनी कामयाब क्यों है फैलता है जो काम फैल रहा है फैल वजह क्या है कि जब ये दावत देने के लिए जाते हैं तो अपने आप को छोटा बना के ये नहीं कि हम तेरे को सिखाने आए हैं तुझे तो कुछ पता पता है नहीं भाई हम सीखने आए हैं आओ मस्जिद में बैठ के मुजाकरा हो हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे हमने तो खुद कलमा पढ़ा है तो हम सीखने वाले तो ये जो सीखते सीखते और भाई और इज्जत और कोई यार क्या क्या बातें आती हैं दिमाग में खोपड़ी में अभी मैं एक वाक़ सुनाया ना जिसने मुझे सुनाया तो बस मैं आँखों से जब्त नहीं कर पा रहा था हज़रत मौलाना तारी जमील साहब का वाक़ है एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए ख्वाजा सरा मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला मैं समझा कि प्रॉपर आदमी इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशा बड़ी मरदाना बजा लेकिन जब बातचीत का अंदाज़ होता है थोड़ा सा वो एटीट्यूड से अंदाज़ा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूँ मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आए आप इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी उसने अपना जो वाक़ सुनाया ना मैं तीन दफ़ा वो वाकया सुनाते हुए रोया हूँ और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो उसने वाक़ सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना तो मैं ख्वाजा सिरा था घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए वालदे की तरफ़ से इज्जत नहीं मिलती जब दस बारह साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज्जत दे रहा है और ना मेरा वालद मुझे इज़्ज़त दे रहा है मैं भाई के साथ कहता हूँ मुझे बाहर लेके जाओ तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के जाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे एक मजाक उड़ाया जाता है कहने एक दफ़ा मैं कहीं गुजर रहा था तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सराओं की पूरी एक जमात थी उन्होंने मुझे पहचान लिया देखा इतना अच्छा उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें ख़वातीन वाली ही अलामतें थी ज़्यादा तो उन्होंने मुझे कह रहे हैं इतनी इज्जत दी खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ हम तुम्हें फिर डांस मास करवाएंगे आधे तुम्हारे आधे हमारे जो भी उसका सेट कह रहे मुझे पहली दफ़ा कहीं इज्जत मिली तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया तो अब्बा ने ला के तबीयत से कूट दिया ठीक है ना कि दोबारा इनमें नहीं बैठना ठीक है हमने तोबा कर ली भाई ये बुरे लोग हैं डांस मांस अच्छी चीज़ नहीं है ठीक है तो अब क्या हुआ कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया हालांकि वो झूठी शिकायत थी अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है क्योंकि सुबह तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा अब्बा ने फिर मारा कह रहे हैं अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया मैं नहीं जा रहा उनके पास मैं ना नाच गाना सीख रहा हूँ कुछ भी नहीं लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहाँ मिल रही है और मैं अपत बर्दाश्त भी कर रहा हूँ तो भी कह रहे मैं वहाँ चला गया तो जब मैं वहाँ गया हूँ ना ख्वाजा से राह के यहाँ तो वही गुरु और डांस और फिर उसने मशहूर मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे और पैसे आना शुरू हो गए आधे गुरु की जेब में आधे हमारी और हटो बच्चो <laughs> लेकिन जाहिर है कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हजरत मौलाना तारिज़ी मिल साहब आ गए उन्होंने इजाजत मांगी हमारे गुरु को पैगाम भेजा भाई मुझे एक दफ़ा यहाँ आके दावत देने दो उसने इजाज़त दे दी आ जाओ भाई बयान किया उनको समझाया भाई ये ज़िंदगी नहीं है अल्लाह की सहरोजे के लिए बहरल तरगीब दी कह रहे मैंने मैं तैयार हो गया बाकी लोग तैयार नहीं हुए मैं तैयार हो गया कह रहे मैंने गुरु से इजाज़त ली उसने कहा जाओ लगा लो सैरोज़ा, तो कहता है कि ज, ज, जब मैं हजरत के घर पर गया हूँ ना तो हजरत पहले से दरवाज़ा खोल के ऐसे उन्होंने दोनों बाजू फैलाए हुए थे इस्तबाल के लिए पहले से खड़े हुए थे ओलमा के साथ कहते इतने मशहूर आदमी इतनी बड़ी सेलेब्रिटी और इतने बड़े बड़े ओलमा उनकी पगड़ियाँ उनके इतना ख़ूबसूरत लिबास जो खुद इज़्ज़तदार लोग हैं कह रहे ऐसे जो है ना मेरे इस्तबाल के लिए दोनों बाजू फैला कर खड़े हुए और ऐसे मुझे बेटा बना के ना अपने सीने से लगाया कि तू मेरा बेटा है रहे हैं, खुदा की कसम मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से ऐसी पहली मर्तबा ऐसी इज्जत मिली मुझे किसी से और इस इज्जत देने में मौलाना का कोई मफाद बोलो भाई कुछ भी बल्कि जिल्लत हो जिल्लत होगी ना लोग कहते हैं ख्वाजा सरा को बेटा बनाया हुआ है और उस वक्त तो उसमें बेचारे में कुछ जनाना सी अलामतें भी थी तो ख्वाजा सरा को क्या दे रहे हैं इज्जत दे रहे हैं क्या किसी ताजर पे मेहनत करो तो थोड़ा चंदा दे देगा मदरसे वो ऐसा ही है ना और किसी अफसर पे मेहनत करो तो ताल्लुक़ क्या हो जाएंगे जब वो दीन पर आएगा तो इससे क्या फ़ायदा इसको तो अब बाप ऐसे इन लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं भाई अपनाने से कह रहे मुझे ये अपना रहे हैं ऐसे सीने से लगाया उन्होंने और मुझे सहरोजे की जमात में अपने साथ लेकर गए खिलाते थे बड़ा ख्याल रखवाया मेरा कह रहे हैं उसके बाद फिर मैंने गुरु से इजाज़त ली वो गुरु छोड़ते थोड़ी उनको पैसे वैसे दिए जान छुड़ाई ना वो भी गुलामी की तरह निकलना पड़ता है पैसे दिए पता नहीं कितने लाख या कितने हज़ार रुपए वहाँ से फिर निकल के चार महीने उसमें भी ख्याल किया तो फिर तबलीग के बुज़ुर्गों से मिला फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि भाई तुम ये इलाज करो ताकि तुम्हारे अंदर ये ज़नाना अलामतें ख़त्म हो तो वो इलाज कर रहा था माशाल्लाह उस इंजेक्शन लगे इंजेक्शन में डॉक्टरों की भी मदद करवाई ये ऐसी एनजीओ है मेरे भाई जिसको कोई भी एनजीओ नहीं कहता ना इनके कोई इश्तहार आ रहे हैं कितने लाखों लोगों को इस तरह से ये लेकर भी आए और उनके मसाइल भी हल किए मगर ना कोई वीडियो बन रही है ना कोई इश्तहार आ रहा है ये तो उसने खुद मुझे बता दिया ना उसने कहा ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है तो उसकी माशा अब दाढ़ी निकल गई उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह से उम्मीद है कि मुकम्मल मर्द बन जाऊंगा मैं तो ये है वो दावत जिसमें आपका कोई मफाद बोलो नहीं है तो दावत के काम में जब तक इस दर्जे का इखलास नहीं होगा उस वक्त तक आपकी दावत में जान पैदा नहीं होगी